बहुत आशीर्वाद मिल रहा है प्रवीण खंडेलवाल जी व्यापारियों के नेता हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने बड़ा शानदार काम करा हमारी इस लोकसभा के अंदर, ये हर ड्रामे को समझती है। ये संकल्प पत्र पेटी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मथुरा काशी सब पे नजर है हमारी, और अयोध्या के बाद अब मथुरा काशी की तरफ ही रवानगी होंगे। सिर्फ एक नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए सारे इकट्ठे हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक अकेला सब पे भारी। जिस तरीके से धीरे धीरे ये जन आशीर्वाद यात्रा आगे बढ़ रही है, और हमारे साथ देख रहे हैं कि कार्यकर्ता भी मौजूद हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कहीं ना कहीं जनता से जो ग्राउंड लेवल पर लोग अगल बगल चल रहे हैं उनको साथ अपना जो वादे हैं, जो एक तरीके से विश्वास प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है, वो कहीं ना कहीं किया जा रहा है। क्या लग रहा है सर, जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, क्या लगता है कितने सीटें आ रही है दिल्ली में बीजेपी की? पूरी सीट आएगी, पूरी के साथ सीट, आपकी सातों सीटें आ रही है, दावे के साथ कह रहा हूँ। अच्छा, विपक्ष तो कह रहा है कि भाजपा वालों ने दबाने की कोशिश कर दी केजरीवाल को जेल डालकर। नहीं, ऐसा कोई ऐसी बात नहीं है, समझे, सब कुछ स्पष्ट हो चुका है। की बार 400 पार की बात हो रही है। हाँ जी, हाँ जी, यहाँ से लेकर पूरे इंडिया तक, अमेठी तक, जो 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 है क्या कहते हैं, राजनीति में सबसे बड़ा क्षेत्र अमेठी क्षेत्र आता है उत्तर प्रदेश में। क्या लग रहा है सर, किस तरीके से चुनावों की तैयारी चल रही है? प्रवीण खंडेलवाल जी का रैली में आप लोग मौजूद हैं, जन आशीर्वाद यात्रा ले रहे हैं, क्या लगता है जनता का आशीर्वाद मिल रहा है? बहुत आशीर्वाद मिल रहा है प्रवीण खंडेलवाल जी व्यापारियों के नेता हैं, 9 करोड़ इनके सदस्य हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर, और चांदनी चौक तो टोटल व्यापारियों का गढ़ है, और यहाँ से इनका पूरा परिवार, इनके पिताजी जिला अध्यक्ष रहे, इनके ताऊजी एमपी रहे, विधायक रहे, निगम पार्षद रहे, और ये भी चांदनी चौक में पैदा हुए हैं और चांदनी चौक की राजनीति करते हैं। पार्टी ने बहुत बढ़िया कैंडिडेट प्रत्याशी दिया है, और 5 लाख वोटों से जीत के प्रवीण खंडेलवाल जी 400 की संख्या में शामिल होंगे। क्या लगता है व्यापारियों का समर्थन मिल रहा है आपको ग्राउंड में? बहुत समर्थन है, व्यापारी पूरे दिन व्यापारी साथ रहता है उनके। किस तरीके से लग रहा है सर, जो मैं प्रेमचंद दुबे अमेठी क्षेत्र का रहने वाला हूँ, और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि स्मिता रानी वहाँ अच्छी सीट लेकर आएंगी राहुल गांधी को पराजित करके। अच्छा जी, राहुल गांधी को पराजित। क्या लग रहा है सर, जन आशीर्वाद यात्रा आप लोग निकाल रहे हैं, प्रवीण खंडेलवाल जी हमारे साथ यहाँ जन आशीर्वाद यात्रा में है, और इस बार चुनावी मैदान में चांदनी चौक सीट से है, टिकट सबसे पहले तो बताइए टिकट क्यों बदलना पड़ा सर, हर्षवर्धन जी को कहीं ना कहीं ध्यान हटा दिया गया? देखो, संगठन की परिपाटी है, ये ऐसा विषय नहीं है कि बदलना पड़ा, संगठन की परिपाटी है, और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जहाँ हमेशा एक नए को स्वीकार करा जाता है, सबको मौका दिया जाता है। डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने बड़ा शानदार काम करा हमारी इस लोकसभा के अंदर, बहुत ही शानदार, उन्होंने 7 चुनाव लड़े, सम और विषम परिस्थितियों में सातों के सातों चुनाव उन्होंने जीते हैं, अच्छे वोटों से प्रचंड मतों के साथ उन्होंने विजय प्राप्त करी है, उनके बहुत से अच्छे किए हुए काम है, ये तो संगठन है, हमारे संगठन की परिपाटी है। क्या लगता है 400 पार का दावा किया जा रहा है, दिल्ली में कितनी सीटें आ रही हैं? सातों सीटें आ रही हैं। पर विपक्ष तो ये भी आरोप लगा रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी आवाज को दबाने के लिए आप लोगों ने अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया, कांग्रेस के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए, विपक्ष को खत्म करने का काम कर रही है भाजपा, ऐसा कह रहे हैं विपक्षी? अगर चोर को पकड़ के उस पर मुकदमा बनाए, चोर को पकड़ के यदि जेल में डाल दें, तो क्या इसको ये कहा जाएगा कि उनकी आवाज दबाई जा रही है? जिस व्यक्ति ने चोर, क्या भाजपा ने डाला अरविंद केजरीवाल को जेल में? अरविंद केजरीवाल को ईडी ने जेल में डाला है, वो कोर्ट गए, कोर्ट से उन्होंने जमानत मांगी, मनीष सिसोदिया जी ने जमानत मांगी, सत्येंद्र जैन ने जमानत मांगी, अरविंद केजरीवाल जी भी इस चक्कर में थे, लेकिन कोर्ट ने उनकी एक नहीं सुनी और उन्हें कस्टडी के अंदर भेज दिया। अभी वो ईडी की कस्टडी में है, और वो आने वाले समय में जैसे ही ईडी की कस्टडी समाप्त होगी, वो तिहाड़ जेल के अपने बैरक में पहुंच जाएंगे। क्या लगता है रामलीला मैदान से चुनावी सफर शुरू हुआ, तिहाड़ जेल में खत्म होने वाला केजरीवाल का? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो दिल्ली की जनता है ना जी, ये बहुत ही समझदार, बहुत ही गुणी हुई है, ये हर ड्रामे को समझती है, और वो जानती है कि केंद्र की मोदी सरकार ने न सिर्फ देश के अंदर देश को एक गति प्रदान करी है, बल्कि विश्व भर के अंदर आज भारत का परचम फहरा रहा है। आप चाहे किसी भी देश में चले जाएं,
जो भारत की स्थिति है वो अब बहुत आगे हो चुकी है। चाहे कतर से हमारे जो 8 अफसर जिन्हें आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सजा हुई थी उनको वापस अपने देश में ले आना, ये एक बहुत ही शानदार विदेश नीति का परिचय है। देश की अर्थव्यवस्था दिनों दिन आगे बढ़ती जा रही है, देश का चाहे विद्यार्थी हो चाहे किसान हो सब खुशहाल है। क्या लगता है सर, जिस तरीके से जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं और वादा किया जा रहा है कि 405 सीटें आएंगी, क्या विकास के कार्य लेकर आ रहे हैं और क्या आने वाली प्लानिंग है आगे आने वाले 5 सालों की? ये संकल्प पत्र पेटी है, ये संकल्प ले रहे और जनता से सुझाव मांगे जा रहे हैं। इसके लिए आज हमारे प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल जी लाल किला जैन मंदिर से ये यात्रा प्रारंभ हुई है और फतेहपुरी गेट तक जाएगी। और रही बात दूसरी आगामी योजनाओं के बारे में, तो देश के अंदर अभी कुछ काम होने बाकी है, जैसे यूनियन सिविल कोड है, इसकी भी एक लोग नागरिक संशोधन बिल है और ये सारे काम हैं। और आज देश के नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे कार्य कर दिए हैं कि जिसके अंदर देश की जनता उनको अपनी बार फिर से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। मोदी जी ने भी वादा किया था कि जो मेरा तीसरा टर्म होगा वो बड़े बड़े निर्णय लेने के लिए जाना जाएगा, किस तरीके के बड़े निर्णय की बात हो रही? क्या अब आर्टिकल 370 के बाद अब पीओके की भी बारी है? क्या राम जन्मभूमि के बाद अब महाकाल की, चाहे वो बनारस की बात करें, काशी की या मथुरा की बात करें, क्या उसमें भी नजर है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मथुरा काशी सब पे नजर है हमारी, और अयोध्या के बाद अब मथुरा काशी की तरफ ही रवानगी होंगे। और पीओके की भी बात कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत नहीं कर रहे हैं। और हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जो इस समय अमित शाह जी हैं, बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं और पूरी योजना तैयार है किस तरीके से हमने ये करना है। चाणक्य माने जाते हैं राजनीति के, और कहीं ना कहीं यहाँ जो तोड़ मरोड़ देखा गया कि दिल्ली में जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का दोनों साथ भाई भाई हैं और पंजाब में कहीं ना कहीं गुत्थम गुत्थी चल रही है, इस समय तो दिल्ली के अंदर भी उनको अलायंस तोड़ देना चाहिए कि जिस तरह से केजरीवाल सरकार केजरीवाल जेल के अंदर है, उनको अलायंस तोड़ देना चाहिए। अलायंस तोड़ देंगे तो कुछ प्रतिशत वोट कांग्रेस का बढ़ जाएगा, सच कह रहा हूँ, तो इनके साथ कुछ भी नहीं मिलने वाला। कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी लायबिलिटी है, कुछ भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ 7 सीटें दिल्ली के अंदर हम जीतने जा रहे हैं, आपकी बात 7 की 7 और अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। ये 200,000 से ऊपर से जीती थी चांदनी चौक लोकसभा सीट, मुझे लगता है इससे ज्यादा। आप मुझे एक बात का जवाब दो ना, सिर्फ एक नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए ये सारे इकट्ठे हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? एक अकेला सब पे भारी। आपकी बार 400 पार मोदी जी आएंगे दोबारा कमल को लहराएंगे, आपकी बार 400 पार। इस तरीके से देखा कि एक अकेला सब पर भारी और अब की बार 400 पार का नारा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगा रहे हैं, तमाम जो हमारे साथ प्रवीण खंडेलवाला की जन आशीर्वाद यात्रा में मौजूद हैं। और कहीं ना कहीं ये बताया गया कि जो आने वाले 5 साल हैं वो भी बेमिसाल रहेंगे और जो बीते 10 साल थे वो तो लाजवाब रहे। तमाम ऐसी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।